नमस्कार, गायत्री ज्योतिष केंद्र में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि अपनी जन्म पत्रिका या किसी की भी जन्म पत्रिका सामने रखकर हम कैसे पता लगा सकते हैं कि सामने वाले की बुद्धि कैसी है, यानी कि उस जातक की बुद्धि कैसी है जिसकी वह पत्रिका है। वह व्यक्ति दिल से काम लेता है या दिमाग से काम लेता है? ज्योतिष के श्रेष्ठ आचार्यों द्वारा जो विधि अपनाई जाती है, जो कि एक ही नजर में वह देख के पता लगा लेते हैं कि जातक की बुद्धि कैसी है, वो विधि आप लोगों को मैं बताऊंगा। वैसे ज्योतिष शास्त्र के अनुसार पंचम भाव यानी कि पंचमेश विद्या बुद्धि भाव के स्वामी व द्वितीयेश की स्थिति, इनके स्वामियों की स्थिति को देखते हुए किसी भी जातक की बुद्धि की का हम अनुमान लगाते हैं। किंतु यहां पर उन चीजों को छोड़कर वो विधि मैं आपको बताऊंगा जो ज्योतिष के श्रेष्ठ आचार्य लोग अपनाते हैं, सामने देखकर ही पता लगाते हैं। उनके अनुसार यदि किसी जातक के सभी ग्रह दूसरे तीसरे और 11वें 12वें भाव में, यानी कि दूसरा तीसरा 11वां और 12वां इन भावों में बैठ जाते हैं, तो ऐसे जातक की बुद्धि काफी तेज होती है या ऐसा जातक बुद्धि का इस्तेमाल करता है। भले ही सफल असफल अपने निर्णय से होता है नहीं होता है वह बात की बात है, किंतु ऐसा व्यक्ति बुद्धि का इस्तेमाल अक्सर ज्यादा करता है। अब बात करते हैं दिल से जो व्यक्ति कार्य करते हैं, 5वें 6वें और 8वें और 9वें घर में यदि किसी जातक के सभी ग्रह बैठ जाते हैं, सिर्फ केतु को छोड़कर जहां पे राहु होता है वहां से 7वें स्थान पर केतु होता है, तो 5वें 6वें 8वें 9वें भाव में यदि ग्रह बैठ जाते हैं तो ऐसा जातक दिल से ज्यादा कार्य करता है। सफल असफल वह उसके निर्णय पर निर्भर करता है, किंतु ऐसा जातक हमेशा दिल का ही इस्तेमाल ज्यादा करता है। अब बताया गया है कि यदि किसी जातक के सभी ग्रह केंद्र के अंदर यानी कि पहले चौथे 7वें और 10वें भाव में बैठ जाते हैं तो ऐसे जातक की बुद्धि काफी तेज मानी जाती है, बहुत तीक्ष्ण बुद्धि मानी जाती है, और माना जाता है कि ऐसा जातक दिल और दिमाग दोनों से कार्य करता है और उसके निर्णय हमेशा ही सफल होते हैं, कभी असफल निर्णय उसके नहीं होते हैं। तो कुल मिला के यह केंद्र के अंदर की स्थिति 1, 4, 7, 10 में यदि किसी जातक के ग्रहों अति शुभ माना गया है, ऐसा व्यक्ति अपने जीवन में काफी आगे भी जाता है, तरक्की भी करता है, क्योंकि जिसकी बुद्धि अच्छी होगी उसके जीवन में उतनी ही ज्यादा ग्रोथ होगी। तो यह ज्योतिष की जो विधि है, प्राचीन विधि, मोटे तौर पे देखने वाली विधि, जिससे कि हम पता लगा सकते हैं कि हमारा दिल तेज है, दिमाग तेज है, हमारी बुद्धि कैसी है। तो इससे पूर्व भी हम आप लोगों के लिए पर्वत योग और समुद्र योग की जानकारी लेके आए थे, उन वीडियो को भी आप देख सकते हैं, काफी अच्छी जानकारी के वह वीडियो है। कहीं ना कहीं आपकी जन्म कुंडली में भी बन सकता है पर्वत योग समुद्र योग, क्या आप उसका फल आप लोगों को मिलता है वो सब बताया गया है। तो ऐसी ही जानकारी की वीडियो कुछ ना कुछ हम आप लोगों के लिए लाते रहेंगे, जो कि आप अपनी पत्रिका या किसी और व्यक्ति की पत्रिका देखकर आप मोटे तौर पर अनुमान लगा सकते हैं, पता लगा सकते हैं। बाकी तो आप ज्योतिष की ABCD तो इसको जो जानते हैं वो भी, क्योंकि ज्योतिष तो समंदर है और ये तो हर किसी के बस की बात नहीं है कि इसको बहुत गहराई से समझ पाना, लेकिन मोटे मोटे तौर पे जितना हम समझेंगे और आप समझ सकते हैं उतना हम आप लोगों के लिए लाते रहेंगे। तो यदि यह जानकारी का वीडियो आप लोगों को पसंद आया तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, आगे बढ़ाकर शेयर कर सकते हैं, नए लोग चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बहुत अच्छी जानकारी के वीडियो हैं, बेल आइकन दबाइए। पसंद आते हैं तो आगे को भी आप हमारे चैनल पे बने रहिए। तो मिलेंगे ऐसी किसी बहुत अच्छी जानकारी के एपिसोड के साथ अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय श्री राम, जय श्री कृष्णा, ओम नमस्कार।